नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, दिवाली पर एक महीने की सैलरी के बराबर मिलेगा बोनस, नोटिफिकेशन हुई जारी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वाला आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। दिवाली पर कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से। केंद्र के कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। इस बोनस में 30 दिन की सैलरी के मुताबिक पैसा कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप बी कैटेगरी के कर्मचारी शामिल होंगे। दोस्तों, ग्रुप बी और ग्रुप सी में आने वाले केंद्र सरकार के उन नॉन ग्रेजुएटेड एम्प्लॉयज को भी बोनस दिया जाएगा। यह वो कर्मचारी होंगे जो किसी भी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम में नहीं आते। एड होक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। इसके अलावा अस्थायी कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, कर्मचारियों को उनकी एवरेज सैलरी गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार जो भी कम हो उसके आधार पर बोनस जोड़ा जाता है। 30 दिनों का मासिक बोनस करीब एक महीने की सैलरी के बराबर होगा। मान लो कि अगर किसी कर्मचारी को 7,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसका 30 दिन का मासिक बोनस लगभग 6,908 रुपये होगा। इसमें कैलकुलेशन के हिसाब से 7,000 × 30/30.4 तो बराबर है आया कि 6,907.89, लगभग 6,908 रुपये बनेंगे। इस तरह के बोनस का फायदा केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2021 को सर्विस में रहे हैं। साल 2020-21 के दौरान कम से कम 6 महीने तक लगातार ड्यूटी दी गई है। एडहॉक बेस पर नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों को भी यह बोनस मिलेगा, हालांकि इस बीच सर्विस में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।